फिल्म संजू में संजय दत्त का किरदार रणबीर कपूर से पहले किसे ऑफर किया गया था? क्या था इस फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? क्या थी इस फिल्म के बनने की पूरी कहानी और इस फिल्म से जुड़े वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप नहीं जानते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिका जुयाल, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज और आज मैं बात करने वाली हूँ साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म संजू के बारे में। ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और इस फिल्म का डायरेक्शन किया था राजकुमार हिरानी ने। इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने मिलकर और इस फिल्म का प्रोडक्शन किया था विधु विनोद चोपड़ा जी ने। इस फिल्म ने इंडिया में 378 करोड़ की धमाकेदार कमाई की थी, वहीं वर्ल्ड वाइड 578 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये साल 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। उस साल दूसरे नंबर पर पद्मावत थी और तीसरे नंबर पर थी सिम्बा और इस फिल्म को IMDb रेटिंग मिली थी 7.8। दोस्तों, रणबीर कपूर संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे और अपनी अलमिरा में उन्होंने उनकी तस्वीर भी लगाई थी और जब भी कोई इमोशनल शूट उन्हें करना होता था वो संजय दत्त से फ़ोन पर बातें किया करते थे और उनसे पूछा किया करते थे कि इस इमोशनल मोमेंट के दौरान आपकी क्या फीलिंग थी। वही फीलिंग समझते हुए वो अपने शूट में ये फीलिंग लाते थे और परफेक्ट शूट देते थे। रणबीर कपूर ने इस रोल के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने संजय दत्त के एक मिमिक्री आर्टिस्ट है साकेत भोसले, उनसे भी मदद मांगी और उनसे चलने का बोलने का स्टाइल सीखा। साकेत भोसले बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट है और संजय दत्त की मिमिक्री किया करते हैं। उनका एक शो भी आता है बाबा की चौकी, जिसमें वो संजय दत्त की स्टाइल पर बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस से बातें किया करते हैं। तो इस तरीके से रणबीर कपूर अपने जो रोल था उसमें परफेक्शन लेकर आए थे। उसके बाद राजकुमार हिरानी ने जो भी संजय दत्त ने कहानी सुनाई थी उसका वेरिफिकेशन किया, अलग अलग लोगों से बात की, मीडिया कर्मियों से बात की, साथ ही उनके दोस्तों से, वकीलों से बात की और वो सारे जो इंटरेस्टिंग कहानी उन्होंने सुनाई थी वो लगभग सारे सच निकले। इसके बाद उन्होंने प्लान कर लिया कि हम संजय दत्त की कहानी पर बायोपिक बनाएंगे। उसके बाद ये दोनों चले गए विधु विनोद चोपड़ा के पास। उन्होंने कहा कि हम संजय दत्त की बायोपिक बनाना चाहते हैं और आप इसे प्रोड्यूस कीजिए। तो विधु विनोद चोपड़ा का भी पहला रिएक्शन यही था कि संजय दत्त की बायोपिक हमें नहीं बनानी चाहिए, लेकिन जब राजकुमार हिरानी ने पूरी कहानी सुनाई तो उन्हें भी बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि हमने ये सारी कहानियाँ वेरीफाई की हैं। तो विधु विनोद चोपड़ा भी तैयार हो गए इस फिल्म को प्रोड्यूस करने की। तो जब पूरी कहानियां मर्ज की गई, उनके इंटरव्यू से रिलेटेड कहानियां मर्ज की गई, जो संजय दत्त ने बताई थी वो सारी कहानियां मिला दी गई, तो 750 पेजेस की एक स्क्रिप्ट तैयार हुई। लेकिन 2.5 घंटे में इतनी बड़ी कहानी दिखाना इम्पॉसिबल लग रहा था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि संजय दत्त के जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वही हम इस फिल्म में दिखाएंगे। तो इस फिल्म में बाप बेटे का रिश्ता दिखाया गया, फ्रेंड्स का रिश्ता दिखाया गया, उनकी पत्नी और उनका रिश्ता दिखाया गया, साथ ही जब उनके जीवन में ये घटना घटित हुई और उसके बाद जब इलीगल वेपन्स उन्होंने छुपाए वो वाली चीज़ दिखाई गई और उनके ड्रग फेस की कहानी दिखाई गई, जो कि लोगों को बहुत पसंद आई। और संजय दत्त का ये पूरी जो कहानी थी एक रोलर कोस्टर राइड थी और लोगों को ये कहानी वाकई एक फिल्मी कहानी लग रही थी और ये कहानी सच थी। तो चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्टिंग के बारे में। सबसे पहले संजय दत्त का किरदार कैसे डिसाइड हुआ था कि कौन इस किरदार को करेगा? तो जब राजकुमार हिरानी इस किरदार के बारे में सोच रहे थे तो रणबीर कपूर का नाम सामने आ रहा था और उनके मन में यही घूम रहा था कि रणबीर कपूर ही प्ले कर सकते हैं संजय दत्त का किरदार, क्योंकि जो संजय दत्त की पहली फिल्म थी रॉकी और उनकी ये डेब्यू फिल्म थी और इसमें जो संजय दत्त का लुक था वो रणबीर कपूर से मिलता जुलता था, इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि रणबीर कपूर को ही इस फिल्म में कास्ट किया जाएगा। और जब रणबीर कपूर को ये बात बताई तो वो हेजिटेट हो रहे थे और उन्हें लगा कि लुक वो मैच नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा था कि मैं तभी ये फिल्म करूंगा जब मैं पूरी तरह से संजय दत्त की तरह दिखूंगा, क्योंकि संजय दत्त को सभी लोग जानते हैं और अगर मैं उनकी तरह नहीं दिखा तो पूरी फिल्म बेकार हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे लुक टेस्ट दिए, 3 महीने तक उन्होंने लुक टेस्ट दिया और फाइनली जो ब्लू शर्ट वाला लुक था उनका वो फाइनलाइज हुआ, उसमें वो हूबहू संजय दत्त की तरह लग रहे थे। इसके अलावा उन्होंने धीरे धीरे बाकी लुक टेस्ट दिए और वो भी सफल रहे। विकी कौशल ने इस फिल्म में संजय दत्त के फ्रेंड का किरदार किया था और वो गुजराती फ्रेंड थे। वैसे तो संजय दत्त के 4 से 5 करीबी दोस्त थे, लेकिन इसी किरदार को फिल्म में दिखाया गया था क्योंकि यही किरदार संजय दत्त के बहुत करीब था और उनके हर मोड़ पर उनका साथ इन्होंने दिया था। इनका नाम परेश गिलानी था और विकी कौशल ने इस किरदार के लिए अपना वेट भी कम किया था।
दोस्तों इस फिल्म का जो टाइटल था संजू, इसके लिए भी बहुत सारे डिस्कशन हुए थे। पहले इस फिल्म का नाम के लिए जो टाइटल सजेस्ट किया था वो ऐसा ही हो, फिर दत्त सजेस्ट किया, फिर संजय दत्त सजेस्ट किया, लेकिन जो उनकी माता थी नरगिस, वो अपने बेटे को संजू नाम से बुलाती थी, इसीलिए फाइनली इस फिल्म का नाम संजू रखा गया। और इस फिल्म में कई चीज़ें दिखाई गई, लेकिन कई रियल चीज़ें नहीं दिखाई गई। जैसे मान्यता से पहले संजय दत्त की दो शादियां हो चुकी थी, लेकिन इसका जिक्र फिल्म में कहीं भी नहीं किया गया। साथ ही 1993 में जब संजय दत्त को जेल हुई थी तो उन्होंने माधुरी दीक्षित को कॉल किया था, और माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के बीच उस वक्त अफेयर की खबरें थी। लेकिन जब माधुरी को पता चला कि राजकुमार हिरानी इस सीन को भी फिल्म में दिखाने वाले हैं, तो उन्होंने राजकुमार हिरानी से कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये सीन इसमें नहीं दिखाया जाए, क्योंकि अब वो बहुत आगे निकल चुकी है और इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी में वो नहीं फंसना चाहती, इसीलिए ये सीन फिल्म में नहीं रखा गया था। दोस्तों कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल नाम इस फिल्म से जुड़े थे जो फिल्म में जो कि तो रखे गए थे, जैसे कि हम समीर और हनीफ का नाम, जो कि संजय दत्त की फिल्म सनम के प्रोड्यूसर थे, तो इस फिल्म में उनका नाम यही रखा गया था। ये वही दो लोग थे जिन्होंने संजय दत्त को इलीगल हथियार सप्लाई किए थे, और इसके बाद जब ये दोनों गिरफ्तार हुए थे तब जाकर संजय दत्त का नाम सामने आया था और पूरी कार्रवाई की गई, फिर संजय दत्त को जेल भेज दिया गया था। लेकिन रणबीर कपूर से पहले रणवीर सिंह को भी ये रोल ऑफर हुआ था, और जब लुक टेस्ट हुआ तो वो मैच नहीं हो पाया और फाइनली रणबीर कपूर को ही इस फिल्म में कास्ट किया गया। तो चलिए अब बात करते हैं सुनील दत्त के किरदार की, उनकी सिलेक्शन कैसे हुई थी। सुनील दत्त के किरदार के लिए पहले अमिताभ बच्चन और आमिर खान का नाम सामने आया था, और जब आमिर खान को ये फिल्म सुनाई गई तो उन्हें बहुत इंटरेस्ट आया था, और इससे पहले आमिर खान दंगल में पिता का किरदार कर चुके थे, इसीलिए कहा जा रहा था कि पिता का रोल आमिर खान बेहतर कर लेंगे, और संजय दत्त ने भी सजेस्ट किया था कि आमिर खान को ही सुनील दत्त का रोल मिलना चाहिए। लेकिन जब आमिर खान ने पूरी स्टोरी सुनी तो उन्हें संजू का रोल बहुत अट्रैक्टिव लगा और वो संजू का रोल करना चाहते थे, इसके चलते वो भी फिल्म से बाहर हो गए और परेश रावल को इस फिल्म में एज अ सुनील दत्त दिखाया गया था। उनके सुनील दत्त का पूरा लुक मैच नहीं किया गया था, उनका लुक नहीं अपनाया गया था, लेकिन जो इमोशंस थे वो पूरे के पूरे सुनील दत्त के ही थे। और उनकी जो मम्मी थी उनका रोल किया था मनीषा कोइराला ने, नरगिस का रोल किया था, और पहले मनीषा ये रोल नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत सारी फिल्में संजय दत्त के साथ कर चुकी थी और उनमें वो लीड एक्ट्रेस थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं एज अ मॉम कैसे ये रोल प्ले करूँगी। लेकिन राजकुमार हिरानी ने उन्हें कन्विंस कर ही लिया और मनीषा ने ये रोल करने के लिए हामी भर दी। उस वक्त उन्होंने इस रोल में परफेक्शन लाने के लिए नरगिस की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री और फोटोज देखी ताकि वो जस्टिस कर पाए, और नरगिस को भी कैंसर था और मनीषा कोयराला को भी ब्रेस्ट कैंसर था, इसीलिए वो बहुत इजीली कनेक्ट कर पाई और वो सारे इमोशंस वो दिखा पाई। इसमें दिया मिर्जा ने मान्यता का रोल किया था, और अपने लुक को अच्छा करने के लिए उन्होंने फेस पर डाई की थी और फेस पर एक तिल भी रखा था। इसमें अनुष्का शर्मा का एक फिक्शनल कैरेक्टर था, और ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी का एक मिक्सचर था, क्योंकि उन्होंने ही संजय दत्त की पूरी स्टोरी सुनी थी, तो ये किरदार एक फिक्शनल कैरेक्टर था और ये सारी जो कहानियाँ थी संजय दत्त की उसको जोड़ने के लिए इस किरदार को वहाँ पर रखा गया था। साथ ही सोनम कपूर का भी फिक्शनल कैरेक्टर था, उसकी उनकी गर्लफ्रेंड को दिखाया गया था, संजय दत्त की 300 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड थी और इसीलिए उन्होंने एक गर्लफ्रेंड को चुन लिया था, और लोगों ने भी इमेजिन किया कि ये संजय दत्त की पहली गर्लफ्रेंड थी। इस फिल्म में एक सीन था जिसमें संजू बाबा जेल में होते हैं और टॉयलेट से पानी बाहर निकल रहा होता है, तो ये सीन को लेकर भी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी और सेंसर बोर्ड से कहा गया था कि ये सीन हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे जेल की विश्वसनीयता कम होती है। तो सेंसर बोर्ड ने कुछ बहुत सीन कट किए और थोड़े बहुत सीन रखे गए थे। दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज हुई उससे पहले संजय दत्त के लिए एक स्पेशल प्रीमियम रखा गया था, और जब संजय दत्त ने ये फिल्म देखी वो बहुत इमोशनल हो गए थे, और वो 2.5 घंटे के बाद ये जब फिल्म ख़त्म हुई तो बहुत रोने लगे, और उन्हें ये फिल्म बहुत अच्छी लगी और उन्होंने रणबीर कपूर राजकुमार हिरानी की बहुत ज़्यादा तारीफें की थी, और साथ ही उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन में बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ बाकी हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने राजकुमार हिरानी को भी सजेस्ट किया कि इसका
अगला पार्ट भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई बात नहीं हुई। तो दोस्तों आप क्या चाहते हो, संजू का अगला पार्ट आना चाहिए, संजू 2 का आपको क्या इंतज़ार है, ये फिल्म आपको कैसी लगी, संजय दत्त की पूरी कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और किस फिल्म के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसकी मेकिंग से जुड़े सवाल जानना चाहते हैं, वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख डालिए, ताकि अपनी अगली वीडियो में जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊँ। और इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।